बहुत समय की बात है, श्यामपुर गांव में एक मधु नाम की बहुत ही प्यारी लड़की रहा करती थी। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो चुका था। वो अपने बूढ़ी दादी के साथ एक झोपड़ी के अंदर रहा करती थी। समय ऐसे ही बीतते गया और कुछ समय बाद मधु की दादी की भी मृत्यु हो जाती है, जिससे मधु अकेले पड़ जाती है। अब वह अपनी झोपड़ी में अकेले रहा करती थी और खाने पीने के लिए वो जंगल में जाकर लकड़ियां बीन कर लाती थी और बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया करती थी। और हमेशा वो अपने माता पिता और दादी को याद करके रोया करती थी। मम्मी पापा, आप मुझे क्यों छोड़ के चले गए? दादी मेरा इकलौता सहारा थी, अब तो वो भी मुझे छोड़ के चली गई। मुझे तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? इतनी बड़ी दुनिया है, मैं कहाँ जाऊं? मुझे अब अकेले रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। आप लोग मुझे भी अपने पास बुला लीजिए, हम वहाँ एक साथ मिलजुल के रहेंगे। और ये कहकर मधु फूट फूट कर रोने लगती है और बिना खाए रोते रोते ही वहीं सो जाती है। अगली सुबह फिर मधु खाने की तलाश में घर से निकलती है और जंगल की ओर जाती है। आज का दिन मधु के लिए बहुत ही ज्यादा खराब था, क्योंकि जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मधु जंगल में लकड़ियां नहीं बीन पाती है और कुछ खाने का भी उसे नहीं मिल पाता है। हे भगवान, आज कितनी तेज वर्षा हो रही है, लगता है आज ही पूरा बारिश हो जाएगा। एक तो मैंने 2 दिनों से कुछ भी सही से नहीं खाया और आज इतनी तेज बारिश हो गई। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ और क्या खाऊँ? भूख से मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मधु ऐसा कहकर रो ही रही थी, तभी उसके सामने एक चिड़िया आकर गिर जाती है, जो बहुत ही ज्यादा घायल थी। हे भगवान, ये चिड़िया तो घायल है, इसका कितना खून बह रहा है। हे भगवान, प्लीज इस चिड़िया को बचा लो, ये कितनी प्यारी है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। चिड़िया, तुम परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेके चलूंगी और तुम्हारी मरहम पट्टी करूंगी, तुम बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगी, तुम परेशान मत हो। फिर मधु उस चिड़िया को अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। फिर मधु घर आने के बाद उस चिड़िया को अच्छे से मरहम पट्टी करती है और एक घोंसला बनाती है और उसके अंदर उसे सुला देती है। मधु उस चिड़िया का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है और बहुत ही जल्द वो चिड़िया ठीक हो जाती है। अगले दिन जब मधु उस चिड़िया के सामने खड़ी थी, तभी वो चिड़िया अपना रूप बदलती है और एक सुनहरी सी राजकुमारी के अंदर बदल जाती है। ये देखकर मधु बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये प्यारी सी चिड़िया एक राजकुमारी में बदल गई है। मधु, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई परेशान नहीं करूंगी। मैं हमेशा से कोई चिड़िया नहीं थी, मैं परी लोग की राजकुमारी हूँ। मैं धरती लोक पे भ्रमण करने के लिए आई थी। जब मैं यहाँ भ्रमण कर रही थी, तभी एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल की नज़र मेरे ऊपर पड़ी और उसने मुझे चिड़िया के रूप में परिवर्तन कर दिया। और चिड़िया बनने के बाद मैं अच्छे से उड़ नहीं पाई, इसलिए एक पेड़ से टकरा के तुम्हारे सामने घायल अवस्था में गिर गई थी। मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि तुमने मेरी इतनी अच्छे से सेवा की। और 2 दिनों के बाद लगता है उस चुड़ैल की शक्तियाँ कम पड़ गई है, इसलिए मैं अपने असली रूप में आ सकी हूँ। मैं तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। मधु, मुझे पता है तुम एक नेक दिल और दयालु लड़की हो और तुम यहाँ अकेले रहती हो, लेकिन तुम्हें आज से अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे साथ हमारे परी लोग चलो और वहाँ हमेशा खुशी खुशी रहना। ये सब सुनकर मधु बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उस राजकुमारी के साथ
परी लोग जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो सुनहरी राजकुमारी मधु को अपने साथ परी लोग लेकर जाती है, जो बादलों के बीच में था और दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्यारा था। फिर मधु वहाँ खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको भी हमारी ये रसमई कहानियाँ अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।